तो इस वीडियो में बात करेंगे बेंट रूल के बारे में, बट बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेंट रूल, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विवेलेंस ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब कि जब कोई भी कंपाउंड में अगर हम किसी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सारे ऑर्बिटल्स है उस कंपाउंड में वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ Equivalence of orbitals, in fact equivalence of hybrid orbitals or bonding orbitals. Okay, so अगर ये जो compound को देखें, this is CH4 and this is CH3F. Okay, तो quite clearly बस एक difference है ये दो compound में। यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन इज रिप्लेसिंग, इनफैक्ट फ्लोरीन इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंस की बात करें, देन वी विल से दैट हेयर ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है सिर्फ हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो वी विल से दैट ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर ये जो फ्लोरीन के आने की वजह से क्या होता है कि ये फ्लोरीन क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट पुल्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एंड इससे क्या होता है कि एक्चुअली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो डिफरेंशियल मतलब पुलिंग हो जाता है ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन तीनों से डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इक्विवेलेंस। अगर हम एक कंपाउंड जिसकी जनरल फॉर्मूला Ab2 है, इसमें देखें, इसमें डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। फर्स्ट केस sp, तो sp में सिंपल सा ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें तो क्वाइट क्लियरली पता चल रहा है हमें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अब दो चीज़ें यहाँ पर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की इक्विवेलेंस है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दूसरा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो दोनों हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की इक्विवेलेंस क्या है, यहाँ पर है बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है कि ये दोनों, दीज थ्री आर हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दीज टू आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस अगर हमें पूछे तो हम इस तीनों को देखेंगे। ओके, इस तीनों को देखेंगे तो क्वाइट क्लियरली यहाँ पर क्या है कि लोन पेयर भी है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, है ना, नॉट इक्विवेलेंट। एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल विल बी इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बस इस दोनों को देख रहे हैं, एंड यहाँ पर b and b है, मतलब कि सेम एटम है, इसलिए यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्विवेलेंट होंगे। अगर यहाँ पर b या फिर c होता तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्विवेलेंट नहीं होते। ओके, जैसे यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोन पेयर आने की वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी इक्विवेलेंस नेगेटिव में, एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस क्या होगी, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बी एंड बी की जो पोजीशन है वो भी क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशन है। मतलब कि चारों एटम sp3 में क्या होता है कि 109°28' पर होते हैं आइडियली इफ देयर इज नो लोन पेयर, बट यहाँ पर दो लोन पेयर आ गए हैं तो दोनों में डिस्टॉर्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी होगी दोनों एटम की, सिंस बोथ आर बी, इसलिए वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल विल बी इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो ऑब्वियसली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी इक्विवेलेंस नहीं होगी, नेगेटिव में होगी, एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी इक्विवेलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बी एंड बी आर एट इक्विवेलेंट पोजिशन। ओके, यहाँ पर क्लियर। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड में देखें तो यहाँ पर Ab5 है। ओके, जनरल फॉर्मूला Ab5 है कंपाउंड की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो क्या क्या होगी, sp3 हो सकती है, sp3d2, sp3d3। ओके, तो sp3d में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का। अब यहाँ पर सेंट्रल में क्या होगा, ए होगा सराउंडिंग बी। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो यहाँ पर 120 डिग्री एंड यहाँ पर 90 डिग्री, है ना, सिंस नो लोन पेयर इज देयर सो नो डिस्टॉर्शन
जो ओरिजिनल एंगल है, मतलब जो आइडियल केस में होनी चाहिए वो हो गया यहाँ पर। ओके, अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली क्या है कि दो डिफरेंट सेट्स ऑफ हाइब्रिड एंगल्स ही हैं, मतलब तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो इक्विवेलेंस होगी वो अलग ही होगी, है ना। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस क्या होगी, निगेटिव में होगी, एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस भी क्या होगी, निगेटिव में होगी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सेंटर में ए आएगा, सराउंडिंग में बी बी बी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्रीज एंड दिस इज व्हाट लेस देन 90 डिग्रीज, क्योंकि ये जो लोन पेयर है यहाँ पर ये पुश करेगा, है ना, ये क्या है रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, तो वो एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस क्या होगी, निगेटिव में होगी सिंस यहाँ पर लोन पेयर है, एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस निगेटिव में होगी सिंस द लोन पेयर इज कॉजिंग डिस्टॉर्शन एंड इट इज डिक्रीजिंग द एंगल दिस एंगल एंड इट बिकम्स लेस 90 डिग्रीज। ओके, सो ये भी निगेटिव में होगी। यहाँ पर अगर हम लोन पेयर है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस क्या होगी, निगेटिव में होगी, एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे जो एटम है बी वो इक्वली स्पेस्ड है। ओके, इसमें क्या होती है पेंटागन में क्या होती है 72 डिग्रीज होती है आई गेस, तो 72 डिग्रीज पर इक्विवेलेंटली स्पेस्ड है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस पॉजिटिव में होगी। ओके, यहाँ पर एक डिफरेंट जन फॉर्मूला है Ab6। ओके, तो यहाँ पर सेंटर में ए एंड 6 एटम्स हमें सराउंड करने हैं, 3 4 5 6, एंड दिस इज व्हाट टेट्रागोनल बाईपिरामिडल। यहाँ पर दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड सिंस नो लोन पेयर नो डिस्टॉर्शन सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी सिंस ऑल एंगल इज 90 डिग्रीज, एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी सिंस ऑल एंगल इज 90 डिग्रीज। यहाँ पर क्वाइट क्लियरली दिख रहा है कि लोन पेयर है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉट इक्विवेलेंट एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ऑल्सो नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये यहाँ पर है एंड यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ऑल्दो लेस देन 90 डिग्रीज ड्यू टू दिस लोन पेयर, एंड ये क्या है 72 डिग्रीज पर, है ना। तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस क्या होगी, निगेटिव में होगी। ओके, तो क्राइटेरिया अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, मतलब sp3d एंड sp3d3। यहाँ पर आप देखो sp3d3 है, sp3d3 है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसकी इक्विवेलेंस क्या होगी, निगेटिव में होगी, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट सेट्स ऑफ एंगल ही है। आप अगर यहाँ पर भी देखो sp3d में भी देखो तो 120 डिग्रीज या 90 डिग्रीज, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आप हटा भी दो, मतलब लोन पेयर हटा भी दो डिफरेंट सेट्स ऑफ एंगल्स होंगे, तो डेफिनेटली क्या होगी इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी जो इक्विवेलेंस होगी मतलब निगेटिव में होगी। इट माइट बी द केस जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इक्विवेलेंस पॉजिटिव में हो सकती है। ओके, लोन पेयर नहीं होनी चाहिए, हमने देखा जहाँ जहाँ भी लोन पेयर आया वहाँ पर जो इक्विवेलेंस है हाइब्रिड ऑर्बिटल की वो निगेटिव में आई थी, एंड डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, हमने स्टार्ट ही करा था इस एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमने देखा था कि फ्लोरीन एक डिफरेंट एटम आने की वजह से क्या हो गई, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी जो इक्विवेलेंस हो गई वो निगेटिव में हो गई, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया इक्विवेलेंस एंड नॉन इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं, अब इसका इसके आगे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। फाइनली लेट अस टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ गेन टू। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इन एसपी एसपी2 एसपी3 एसपी3d2 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर परसेंटेज ऑफ एस क्रैक्टर इंक्रीजेस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच कंटेन लोन पेयर, और इन sp3 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर एक्वायर पोजिशन वेयर प्रेजेंट एस करेक्टर आर हाई। ओके, तो अगर हम ये याद रखना है हमें कि sp sp2 sp3 sp3d2 इसमें क्या होता है कि लोन पेयर होने की वजह से जो प्रेजेंट एस करेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है किसमें, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, एनी इन sp3 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि लोन पेयर उस पोजीशन को एक्वायर करता है जहाँ पर परसेंट एस करेक्टर हाई होते हैं, है ना। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि इन sp2 sp3 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन परसेंट एस करेक्टर डिक्रीजेज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच इज बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि परसेंट एस करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है अगर वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से बॉन्ड है
तो इसको समझने का सिंपल सा तरीका ये है ना, ओके, तो सिंपल ये है कि क्या होता है कि लोन पेयर जहाँ भी प्रेजेंट होगा, है ना, तो लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर क्या होता है, ओके, पहले इसे समझते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको अपनी तरफ पुल करता है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सपोज ये जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक फ्लोरीन एटम है यहाँ पर, है ना, तो ये क्या करेगा, जो फ्लोरीन है अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसमें क्या होंगे, परसेंट एस फ्लोरीन ज़्यादा एक्वायर कर लेगा, इसलिए ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें क्या होंगे, परसेंट एस कम हो जाएंगे। तो वही स्टेटमेंट यहाँ कहा गया है कि sp2 sp3 sp3 due to hybridization percent s rate decreases in hybrid orbital which is bonded with more electronegative atom। तो यहाँ पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से बॉन्डेड है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस रेट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। या फिर कन्वर्सली ये भी कह सकते हैं कि जहाँ भी इसे अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को एक्वायर करना है पोजिशन, तो वो वहीं पर जाएगा जहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर कम होंगे, है ना, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है जहाँ पर लोन पेयर होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लोन पेयर मतलब क्या, मोर क्लोजर टू द इलेक्ट्रॉन, है ना, मोर क्लोजर टू द सेंट्रल एटम, तो वहाँ पर क्या होंगे, परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। या फिर अगर लोन पेयर को हमें इंसर्ट करना है तो हम कहाँ, वहाँ पर इंसर्ट करेंगे जहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर हमें BrF3 एंड HCF5- माइनस का करना है, तो यहाँ पर हमें लोन पेयर देना है, तो लोन पेयर कहाँ पर दूंगा, जहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर हाई होगा, या फिर परसेंट एस कैरेक्टर हाई मीन्स वहाँ पर रिपल्सन हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, है ना। अगर हम, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर देते हैं ना, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर गिवन है, एंड बाकी तो सिंपल है, यहाँ पर 3BF सराउंडिंग एटम एंड सेंटर में ब्रोमीन होगा, है ना। अब हमें HCF5 में क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पर HC होगा, एंड यहाँ पर क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे, है ना, एंड पांच सराउंडिंग एटम होंगे, तो पांच सराउंडिंग एटम ऑब्वियसली एक्सियल पर देंगे, एंड लोन पेयर क्या क्या होगा, पांच सराउंडिंग एटम लैटरल पोजीशन पर देंगे, एंड लोन पेयर क्या होगा, एक्सियल पर होगा, क्योंकि एक्सियल पर क्या है, एंगल क्या है, 90 डिग्रीज है, तो वहाँ पर रिपल्सन कम हो गया, है ना, यहाँ पर एंगल क्या है, 72 डिग्रीज है, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फॉर विद द मॉलिक्यूल PCl एंड F5- n इज नॉन पोलर। यहाँ पर आप बना के देख लो, यहाँ पर वैल्यूज आपको पता चल जाएगी, जहाँ इसे नॉन पोलर होना है, तो यहाँ पर नॉन पोलर है, यहाँ पर नॉन पोलर है, एंड यहाँ पर नॉन पोलर है, तो सॉरी, यहाँ पर नॉन पोलर है, यहाँ पर नॉन पोलर है, यहाँ पर नॉन पोलर है, तो यहाँ पर आप देख लो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 0 पर नॉन पोलर है, n की वैल्यू 3 पर नॉन पोलर है, n की वैल्यू 5 पर नॉन पोलर है, तो सम क्या हो जाएगा, 5+3+0=8, है ना। उसी तरह से यहाँ पर फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर द मॉलिक्यूल दिस इज नॉन पोलर, तो यहाँ पर m इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, मतलब आउट ऑफ दिस चेक करना है हमें, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 0 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, एंड 3 ऑक्सीजन रखने पर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल आता है वो नॉन पोलर आता है, बाकी इन दोनों में पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहा था, दो वैल्यूज पूछ रहे, आंसर होगा ना, आउट ऑफ 4 वैल्यूज हमें देखने हैं कितने वैल्यूज में नॉन पोलर आ रहा है, ओके। सो दिस वॉज इट गाइस, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स, वहाँ पर हम मतलब एक ही करके डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर्स लाइक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, है ना, वो डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।